हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? फिटनेस फाइटर में एक बार आपका वापस से स्वागत है। दोस्तों आपको क्या दिख रहा है? आपको दो लोग दिख रहे हैं, मोंटू मौर्या एक बार वापस विद दो डंबल के साथ में। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही है, दो डंबल के साथ फुल बॉडी वर्कआउट। तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता होगा कि जिम और फिटनेस हमारे लिए तो है ही नहीं। जी नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप 16 घंटे या 14 घंटे अगर आप विद ट्रैवलिंग के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ आप सिर्फ अपने लिए आधा घंटा निकालिए। और फिटनेस जो है वो 100% लोगों के लिए ज़रूरी है, ताकि जिम हो या ना हो, आपके पास में सुविधा हो या ना हो, 100% लोगों को जिम करना चाहिए। और जिनके पास कुछ सुविधा नहीं है, उनके लिए फिटनेस फाइटर्स एंड फैमिली है जो आप लोगों का ख्याल रखे। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर और आपको क्या क्या वर्कआउट करें बताते हैं। तो देखिए, वार्म अप और स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वार्म अप और स्ट्रेचिंग करें, तो उसमें बॉडी का जो है आपकी जो है मोबिलिटी बढ़ जाती है। जब भी आप वार्म अप करते हो, आपकी जो है बॉडी का फ्लेक्शन एंड रिलैक्सेशन काफ़ी फास्ट होता है, मसल में इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम जो डायरेक्ट आपको वर्कआउट के ऊपर लेके चलेंगे, जो आपको बेसिक वर्कआउट करने हैं जब भी आपके पास दो डंबल है, कि कुछ ना कुछ तो आप अपनी फिटनेस के लिए करें। तो इस करके हम स्टार्ट करते हैं पहले बड़े मसल से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेग्स, फिर चेस्ट, फिर बैक, फिर शोल्डर, फिर आर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं, दो डंबल लेके स्क्वाट्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट स्क्वाट्स, चेस्ट अप, सामने देखने। हम जो है आपको एक एक वर्कआउट ही बताएंगे और आपको इसके 2 से 3 सेट घर पे करने हैं। तो देखिए कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। पहले आपको स्क्वाट से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो बिना डंबल के भी आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, बॉडी वेट नो इश्यूज। तो ये था फर्स्ट वर्कआउट। तो अगला वर्कआउट जो है लंजेस, वॉकिंग लंजेस। इसमें भी आपके लेग्स मसल ऑलमोस्ट सब यूज होते हैं, आपके क्वाड्स, आपके ग्लूट्स। वापस आ जाओ। तो इसके भी आपको मिनिमम 2 से 3 सेट आपको करने ही है। अगर आप बिगिनर हो तो एक एक सेट करके भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पहले से कर रहे थे, छोड़ दिया, तो 2-2 सेट से आप करिए। ओके, रिलैक्स। तो तीसरा वर्कआउट जो है हमारा डेडलिफ्ट, आपके लोअर बैक के लिए, आपके ग्लूट्स के लिए, आपके हैमस्ट्रिंग के लिए। मोस्टली आपका ऑलमोस्ट जो है बॉडी पार्ट वर्क होता है आपका बैक, एवरीथिंग। तो लेट्स स्टार्ट, इसे कहते हैं डेडलिफ्ट। अब नेक नीचे, इसमें बैक चाहिए, आर्च। अगर जिसको बैक का प्रॉब्लम है तो वो मत करें। मोस्टली क्या होता है कि आप लोग अभी ये बोलेंगे कि हमें ये वर्कआउट क्या एवरीडे करना चाहिए। आप इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं, आप लोअर बॉडी और अपर बॉडी को स्प्लिट भी कर सकते हैं। एक दिन वो, एक दिन ये, एक दिन आप जॉगिंग के लिए जाइए, आप ऐसा वर्कआउट करिए। ओके, रिलैक्स। सो ये था हमारा तीसरा वर्कआउट जो डेडलिफ्ट था। इसके बाद में हम चलते हैं चेस्ट के ऊपर, पुशअप्स करेंगे। या अगर आपको रेंज चाहिए तो आप डंबल्स को ऐसा करके पुशअप्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में टाइल्स है और डंबल स्लिप मार रहे हो तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट हाथ रख के पुशअप्स करिए। तो मोंटू पुशअप्स बताओ। तो इसमें क्या है कि आपका जो रेंज ऑफ मोशन इसमें बढ़ जाता है। तो इसमें क्या आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। अगर आपको ये नहीं करना है तो डंबल हटा दो। अगर आपकी टाइल स्लिप होती है तो डंबल हटा दो। अभी डायरेक्ट लो पुशअप्स। पुशअप्स का हमने पूरा सीरीज बना के रखा हुआ है, हाउ टू डू पुशअप्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुशअप्स, वो आप वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, अभी चेस्ट प्रेस, अभी घूम जाओ, डंबल लेके घूम जाओ। अगर डंबल है तो आपको चेस्ट प्रेस करना है, फटाफट नहीं है। यस, गो सर, नीचे थोड़ा सा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए बेंच चाहिए, हम बेंच यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको रेंज ऑफ मोशन पूरा मिलेगा जितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री एंगल। सर ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, मतलब अगर आप करते करते मॉन्टू ने एक आइडिया दिया है कि उसे घुमा भी सकते हैं डंबल को। इसमें आप फ्लाई मूवमेंट भी कर सकते हैं, फ्लाई दिखाओ। हाँ, और नीचे, हाँ दूर हूँ मैं, ये फ्लाई मूवमेंट। अब फ्लाई मूवमेंट भी हम ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा वर्कआउट। ओके, रिलैक्स। अभी हम चलते हैं बैक के ऊपर, वन आर्म रोइंग पुल। मतलब इसमें आपका लैट्स, आपका मिड बैक एरिया जो है इसमें वर्क होता है। ये लैट्स है, नीचे जाना, नीचे जा। हाँ बस, गो स्क्वीज डाउन स्क्वीज लैट्स एंड मिड बैक एरिया। अगर आपके पास आधार है चिनअप्स करने के तो आप चिनअप्स भी कर सकते हैं। ओके, चेंज पुल, 1 2 कुछ अटक गया, 3 4 5। ओके, आपको हर एक सेट के, जैसे मैंने बताया, 3 सेट करने हैं हर एक वर्कआउट के, 3 सेट। आप उसमें वेट बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको लगेगा तो। हम लोग ने जो है लॉकिंग सिस्टम लिया हुआ है, पिन।
तो इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, हमने अम्मी से वेट ऐड भी कर सकते हैं, तीन तीन सेट आपको करने हैं। ये मिड बैक एरिया के लिए, और जिसके पास अगर डंबल नहीं है तो वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके चेक करिए। मिनिमम आपको 5 किलो का डंबल चाहिए, और एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए प्लेट्स भी मंगा लीजिए। बाय द वे ये डंबल भी हमने ऑनलाइन ही मंगाया हुआ है। ओके रिलैक्स, ये बैक हो गया, अभी हम चलते हैं शोल्डर के ऊपर, मिलिट्री प्रेस अप एंड डाउन, गो। मेक श्योर अगर आप डंबल मंगाओगे इसका हैंडल अगर लंबा है तो संभाल के करना कि कहीं आपको लग ना जाए। तो ये शोल्डर वर्कआउट, अब इसके चलते हैं फ्रंट एंड लैटरल। ओके सबसे पता है क्या है कि कोई कोई वर्कआउट में ना आपको हैवी लगेगा, कोई कोई वर्कआउट में आपको लाइट लगेगा। तो अगर आप ये मिक्स वर्कआउट करोगे ना, एक हैवी डंबल रखना, एक लाइट डंबल रखना। जैसे आप चेस्ट मार रहे हो, वन आर्म रोइंग कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो, उसके लिए हैवी रखना। बाकी अगर आप लैटरल कर रहे हो, फ्रंट कर रहे हो, शोल्डर के लिए, तो उसके लिए लाइट रखना, बाइसेप्स के लिए लाइट रखना, शोल्डर के लिए हैवी रखना। तो दो अलग अलग पार्ट कर देना उसके लिए। अगर आपको और भी कोई दिक्कत आएगी एक्स्ट्रा डंबल खरीदने में तो तो आपको डंबल के साथ में मैं कॉम्बो वाला सिस्टम डाल दूंगा, जो एक्स्ट्रा ऐड कर सके। वेट आपका हो गया तो आपने निकाल दिया, हैवी है तो कम कर दिया, है कम लाइट है तो हैवी कर दिया। उसके साथ में बार वगैरह भी आता है, तो वो भी मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाके मंगा लीजिए वहाँ। और उसका प्राइस भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 1,500-2,000 से भी कम है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं लैटरल, फ्रंट एंड लैटरल जो है अगला वर्कआउट शोल्डर के लिए ही है। तो इसमें आपका जो है एंटीरियर डेल्टॉइड्स एंड मिडल डेल्टॉइड्स दोनों वर्क होगा। सबसे बेहतरीन वर्कआउट आपके शोल्डर के कर्व्स के लिए, मतलब शोल्डर का जो कर्व आता है जबका मिडिल डेल्टॉइड्स है वो वर्क होता है। तो इसका भी आपको 3 सेट करना है। इसके बाद हम चलते हैं बाइसेप एंड ट्राइसेप्स के ऊपर। ओके रिलैक्स। तो इसमें डंबल्स में आप अल्टरनेट भी ले सकते हो, एक साथ में भी ले सकते हो। दोस्तों देखिए, पता है क्या है कि जो फिटनेस फाइटर का जो मकसद क्या है कि आप लोगों को फिट रखना। मैं आपको बॉडी बिल्डर बनने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो वर्किंग क्लास के हैं, जो लोग जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो फिटनेस फाइटर चैनल बना हुआ है, आप हमें फॉलो करते रहिएगा। 15 लाख लोग हमसे जुड़े हुए, जो नए बच्चे लोग, जो नए यूथ लोग आ रहे हैं जिनके पास सुविधा नहीं है, आजू बाजू में जिम नहीं है करने का, काफ़ी सारे लोगों ने हमें टैग भी किया हुआ है वीडियो में जब ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो मतलब वो यहीं से स्टार्ट हुआ है उनकी जर्नी जो फिटनेस फाइटर के साथ में। तो बहुत ज़रूरी है आप ऐसे फॉलो करिए। और हम चलते हैं बोथ आर्म पे, तो दोनों साथ में भी आप कर सकते हैं। तो टाइम निकालिए थोड़ा सा फिटनेस को, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, बस दैट सीट आप लोगों को फिट रखिए। तो अभी हम चलते हैं ट्राइसेप्स के ऊपर। डंबल बोथ हैंड ट्राइसेप्स, घूमो उधर मंटू, एल्बो क्लोज रहेगा, नीचे तक आना है, एंड किक। इसमें भी आप वेट बढ़ा सकते हो थोड़ा सा। तो ये जो लास्ट वर्कआउट हमारे ट्राइसेप्स के लिए है, तो इसका भी आपको 3 सेट करने हैं। तो ये अगर आप इतना भी अगर आप परफॉर्म करोगे तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, आप फिटनेस की तरफ आप थोड़ा सा बढ़ रहे हो, आप काम कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि आप 14-14 घंटा काम कर रहे हो, आप थक जाते हो, लेकिन अगर आप जिम करो तो बॉडी में आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपकी पॉजिटिव वाइब्स बढ़ेंगे, आप बेहतरीन काम कर पाओगे, और अच्छी तरह से मेहनत और लगन से आप थकोगे नहीं, भले आप कितना भी ट्रैवलिंग के हो। बस फिटनेस फाइटर का यही मकसद है, स्टे फिट स्टे ऑसम, इसलिए बोलते हैं आप फिट भी रहो, आप ऑसम भी दिखो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमें फॉलो करते रहिएगा, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन दोस्तों, स्टे फिट स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो।